अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल शिम ओस्मान। जी हाँ, पता है बहुत दिनों के बाद, मतलब लगभग एक महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। इसका भी रीज़न था मेरा अपना, बिकॉज पेपर्स चल रहे हैं यार, तो मैं बना ही नहीं सक रहा मैं वीडियो, तो इसके लिए सच्ची दिल से मेरी माफ़ी आप लोगों को। बाकी आप लोगों को पता ही होगा हम क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियोज़ डालते रहते हैं, उल्टे सीधे में सच्चे और अच्छे। तो अब ये आपको क्रिप्टो वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता ही होगा। 30% टैक्स जो लगा इंडिया में, इसको लेकर बहुत बवाल मचा था, आप सबको भी पता होगा। तो अभी हम लोग आपको आज शी वाइन की न्यूज लेटेस्ट देने वाले हैं। सो चलिए वो क्या है आपको बताते हैं। ओके, सो देख सकते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। सो ऑन गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर शी वाइन की जो आज की प्राइस है, 1 आवर्स में जो बता रहा है, $0.00027 चल रहा है। और अगर मैं गाइस यहाँ पर आप लोग को वन डे का बताऊँ, तो वन डे में यहाँ पर माइनस में कितना गया था, $0.00026। सो वन डे में इतना ज़्यादा, मतलब सबसे नीचे इतना गिरा था $0.00026, और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जो अभी क्या हुआ है वो $0.00027। सो अगर मैं बात करूँ शिबा इनो के फ्यूचर की, तो गाइस शिबा इनो एक पता ही है बहुत ओवर हाइपिंग कॉइन है, आप लोगों को भी पता होगा। तो ओवर हाइप्ड कॉइन है ये, तो इसके लिए इसके वास्ते लोगों को तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर भरोसा है इस कॉइन पर, क्योंकि इसका मतलब क्या बोलते हैं, टॉप 15 में आता है ना ये, 15 नंबर पर। पता नहीं इसका रैंक गिरा क्यों, ये बीच में आ गया था, 12 नंबर तक भी आ गया था, 13-12 तक आ गया था, लेकिन फिर से गिर गया इसका रैंक, बड़ी गंदा गिरा है। 15 टॉप 15 में आ चुका है ये अभी। और बिटकॉइन तो हमेशा का नंबर वन पे है, सेकेंड नंबर पे है इथेरियम, और थर्ड नंबर पे टेथर या USDT है मेरे ख्याल से, शायद मुझे पता नहीं उतना सही से एक्यूरेटली, बट हाँ। सो अभी आप लोग क्या बोलेंगे गाइस, अगर आप लोगों को गाइस शिबा इनो में इन्वेस्ट करना है ना, तो अभी मत करना इन्वेस्ट, क्योंकि इसका प्राइस मतलब इतना ज़्यादा गिरा नहीं है जितना पहले गिरा था। अभी इन्वेस्ट करोगे फिर प्राइस गिरेगा, फिर आप लोग बोलेंगे हम तो लॉस में चल रहे हैं, तो इसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो कुछ नहीं जाएगा, बट आपको लॉस होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी मुझे इसमें करें इन्वेस्ट करूँ, जब ये थोड़ा और नीचे गिरेगा तब इसमें पैसे लगाना। और अगर मेरे ख्याल से बात करें आप लोगों के बारे में, तो शिबा इनो का जो ये है, मतलब जो नए टैक्स रूल्स आए हुए हैं इंडिया के, आप लोगों को तो पता ही होगा, 30% टैक्स देना, यार किसको पसंद आता है यार, लेकिन फिर भी क्या कहें अब आप लोगों को, हमें होल्ड करके रखना है इसे लॉन्ग टर्म के लिए। जब अच्छा खासा पोर्टफोलियो होगा, प्रॉफिट बन जाएगा, तब हम इसे सेल करेंगे गाइस। तो हाँ, तब हम इसे सेल करेंगे जब हमारे पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो होगा और 1-2 लाख की कम से कम इनकम होनी चाहिए गाइस। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैंने चाहता कि मेरे इन्वेस्टर्स कम पैसे में सरकार को 30% टैक्स देते बैठे, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये चीज़। आपका अगर आपको टैक्स देना ही है तो ज़्यादा कमाओ, और मतलब इतना दो जितना गया, तो ये पता नहीं। और वैसे भी गाइस, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, आप लोगों को तो पता ही होगा। सो अभी कैसे है कि अभी समझ लो, अभी इतना टैक्स लगा है, बट आ गया कि जैसे ये डिसेंट्रलाइजेशन इसका, देखिए क्रिप्टो करेंसी की पॉजिटिव बात मुझे क्या लगती है कि ये जो है ना क्रिप्टो, ये कहता है कि हम डिसेंट्रलाइज हैं, ये आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं। पीयर टू पीयर है, डिसेंट्रलाइज है, पर्सन टू पर्सन। अभी मैं जो डिप्लोमा कर रहा हूँ ना, थर्ड ईयर में अभी फिलहाल में, तो मुझे यहाँ पर नॉलेज है P2P का, पीयर टू पीयर का, कि मतलब उसमें बैंक का कोई हाथ नहीं आता है, और यहाँ से ऐसे पर्सन टू पर्सन आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा अच्छी है, कहीं ना कहीं पसंद आती है लोगों को भी, और मुझे भी पसंद आती है। तो हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आप लोग तो P2P के ज़रिए शायद फ़िलहाल, अभी तो फ़िलहाल टैक्स से शायद बच सकते हो, बाकी अगर आपके ऊपर है वो सब, और आप टैक्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, गेंस पर आपकी मर्ज़ी। बाकी अगर बचना चाहते हो तो सिंपल से सिंपल एक ही तरीका है गाइस, जेन्युइनली होल्ड करके रखो जब तक सरकार ने चेंज होती, होल्ड करके रखो पॉइंट्स को। ओके, देखेंगे आगे अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो टैक्स रूल्स भी चेंज होंगे, और अच्छी की उम्मीद करते रहो गाइस। ओके, और एक ही बात कहूँगा गाइस, ह्यूमैनिटी स्प्रेड पीस नॉट हेट, एंड प्लीज आपस में मत झगड़ो, और साथ मिलकर रहते जाओ, मजे करो, खुश रहो, और क्रिप्टो करेंसी में ध्यान देते रहो। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, और इंशाल्लाह ऐसे डालते रहने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।